मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था कि हमने तीन पॉइंट्स दिए थे और तीन पॉइंट से उनका डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था। अब देखिए चार पॉइंट्स है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले का, मैं फोर पॉइंट्स के लिए, अगर मान लीजिए आपके पास चार पॉइंट्स हैं, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री और डी एक्स फोर वाई फोर। ये चार पॉइंट है एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर। अब ये चार पॉइंट मिलकर क्या बना सकते हैं? अब तुमने अगर चार पॉइंट मिलकर, सभी लोग ऐसे सोचते हैं कि चार पॉइंट मिलकर क्वाड्रेटर बनाएंगे, क्या हमेशा ऐसा होगा? तो इसकी पहली शर्त, क्वाड्रेटर बनने की पहली शर्त कि बेटा कि चारों पॉइंट्स में से कोई भी तीन दो से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, क्योंकि तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो एक तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाएंगे और चौथा पॉइंट तो ट्रायंगल ही बनेगा, क्वाड्रेटर बनेगा ही नहीं। तो क्वाड्रेटर बनने की पहली शर्त, क्वाड्रेटर बनने का पहला कंडीशन ही यही है कि तीन पॉइंट्स तो कोलिनियर है नहीं रह सकते, कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर रह गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बात ध्यान सुनना, मेरी पहली शर्त है कि कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे चले, देखो ध्यान सुनना, मान लीजिए कि तीन पॉइंट भी दो या दो से ज्यादा पॉइंट, दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे, दो से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो क्वाड्रेटर बन जाएगा। अब क्वाड्रेटर का बनेगा तो क्वाड्रेटर का नेचर कैसा है, तो क्वाड्रेटर के नेचर के बारे में बात करते हैं। तो आपके माइंड में क्वाड्रेटर कितने तरह के क्वाड्रेटर आते हैं? तो तुमने कहा यार क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर में आता है, सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि भाई पैरेललोग्राम हो सकता है, दूसरा रोम्बस हो सकता है, तीसरा रेक्टेंगल हो सकता है, चौथा स्क्वायर हो सकता है, पांचवा ट्रेपेजियम हो सकता है, छठा काइट हो सकता है। नेक्स्ट तुमने कहा नेक्स्ट पे अपन साइक्लिक क्वाड्रेटर बना सकते हैं, साइकिल के अंदर क्वाड्रेटर बना सकते हैं, मींस आपके माइंड में पिक्चर आएगी कि कौन कौन से क्वाड्रेटर बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहली शर्त क्वाड्रेटर बनने में कि क्लियर हो गई कि कोई भी दो से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं, चार पॉइंट मिलकर बना रहे हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए देखिए बेटा क्या है, मान लीजिए इस तरह का ही पैरेललोग्राम बनेगा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये है बेटा। पैरेललोग्राम का मीनिंग है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, कोई दो सेट है पैरेलल, दो सेट होंगे लाइंस के वो पैरेलल होंगे, मींस ये दोनों सेट पैरेलल है और ये दोनों सेट्स पैरेलल है और इक्वल है। मींस यहां से आप देखेंगे तो ए बी इक्वल सी डी और बी सी इक्वल ए डी, ये दो साइड्स इक्वल है और साथ में ये जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स ये इनइक्वल होने चाहिए, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी। बात ध्यान सुनना, ए सी बी डी के इक्वल नहीं है और ऑपोजिट साइड से इक्वल है तो हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम है। दूसरा मैंने कहा रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तुमने कहा रेक्टेंगल, मैंने कहा हाँ भैया रेक्टेंगल, तुमने कहा रेक्टेंगल ऐसे बनेगा। बेटा देखिए ध्यान सुनेंगे, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी, यहां से तो देखिए ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल ए डी और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है, ए सी इक्वल बी डी, ये डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है। इसमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क है? तुमने कहा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल फर्क में कि ऑपोजिट साइड से इक्वल है, इसमें डायगोनल की लेंथ इक्वल है, इसमें डायगोनल की लेंथ अनइक्वल है। अब तीसरा बेटा रोम्बस, रोम्बस, ये रोम्बस ए बी सी डी, रोम्बस को इसको कहते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, ये चारों साइड से इक्वल है बट डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। मैं केवल अभी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, बाद में इसकी और भी डिफरेंस है वो आपको डिस्कस करता हूं। तो मेरे हिसाब से इस पैरेललोग्राम बन गया, रेक्टेंगल बन गया, रोम्बस बन गया। अब नेक्स्ट इज स्क्वायर,
स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, ए सी इक्वल बी डी। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है, ये चौथा टाइप था, पांचवा टाइप है काइट। काइट के बारे में जानते हो, काइट सबने देखा होगा, काइट का एक टाइप है क्वाड्रेंट का काइट। काइट में कैसा होता है, ये काइट इस तरह से होता है, ये इस तरह काइट होता है, ए बी सी और डी, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। मींस अगर मैं कहूं ए बी तुम ए डी हो और बी सी तुम सी डी हो, डायगोनल्स इसमें परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, बस डिफरेंस क्या है, रोम्बस जैसा ही लगता है, बस रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, इसमें ये कॉन्जिक्यूटिव दो साइड्स है ये इक्वल होती है, ये काइट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में एनी टू साइड्स आर पैरेलल, ये कोई दो साइड्स है, ए बी सी और डी, ये दो साइड्स पैरेलल है, पैरेलल है, एनी टू साइड्स पैरेलल। अब तुमने कहा सर ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करो, इसमें क्या है, मैं इसमें एक डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं लेकिन वो लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं तो जनरली इसको एंगल से ही कनेक्ट करूंगा, क्योंकि वो फॉर्मूला है वो लेंदी होगा और मुझे डिस्कस करना भी ज्यादा बेटर मुझे लगता नहीं। तो देखिए ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल है, देखिए चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल्स है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, काइट में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव दो साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, ट्रेपेजियम में कोई दो साइड्स पैरेलल है। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब साइकिल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, मींस सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, ये ए बी सी और डी, इसमें क्या है बेटा कि ए प्लस सी का एंगल का सम पाई एंड बी प्लस डी एंगल्स का सम पाई, ये सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। तुमने कहा अच्छा सप्लीमेंट्री है, मैंने कहा ये साइक्लिक क्वाड्रेंट, तुमने कहा सर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करो, तो मैंने कहा इसके लिए भी फॉर्मूला होता है बट इसको अपने को एंगल से ही देखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा इंटीरियर जाएंगे तो हमारे फॉर्मूले बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले होंगे और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमारे को दूसरे और अल्टरनेट मेथड्स है जिनसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रेंट का मेरे ये मीनिंग यहाँ पे लिखने का केवल इतना मीनिंग है कि आपके माइंड में क्वाड्रेंट कहते ही आपके माइंड में पिक्चर आए, सबसे पहले कौन आए तो वह पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा स्क्वायर, पांचवा काइट, छठा ट्रेपेजियम, सातवां साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपके जितने कोर्स में मोस्टली यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स या यही क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो अब थोड़ा सा मैं धीरे धीरे करके इसको आपको समझाता हूं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। पहली बात मैंने ऐसे कही कि भाई रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा सा कनेक्शन देखता हूं। तुमने कहा रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या सिमिलरिटी है, मैंने कहा रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री, और दूसरा डिसिमिलरिटी क्या है, मैंने कहा रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा यस। अब डिफरेंस की बात करें तो एक और सिमिलरिटी क्या क्या हो सकती है, एक और सिमिलरिटी क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो तीनों में तीन सिमिलरिटी हो गई। वापस से सिमिलरिटी बता रहा हूं आपको, सबसे पहले चारों एंगल 90 डिग्री दोनों में सेम, दूसरा डायगोनल्स की लेंथ इक्वल, नेक्स्ट तीसरा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ओके। और जो डिफरेंस है वो क्या है, तो डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और रेक्टेंगल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते। तो एक डिफरेंस आपको मैंने बता दिया और तीन सिमिलरिटी बता दी। अब तुमने कहा सर
रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या सिमिलरिटी है? तो मैंने कहा पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में ये सिमिलरिटी है कि दोनों के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी पहली सिंपल सिमिलरिटी कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। दूसरी सिमिलरिटी कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है। अच्छा डिफरेंस क्या है? तो डायगोनल्स रोम्बस में परपेंडिकुलर होते हैं और पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। तो इसको मैं आपको एक पॉइंट से आपको समझा देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। एक एक करके मैं चार पांच पॉइंट लिख देता हूं, आप इसको ध्यान से समझना जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला पॉइंट स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इसमें डायगोनल बाइसेक करते हैं। इसका मतलब इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक करेंगे। दूसरा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल। तीसरा पॉइंट पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस लेंथ ऑफ डायगोनल्स अनइक्वल। चौथा इन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर। पांचवा स्क्वायर, रोम्बस, काइट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो देखिए पांच बातों को आप हमेशा ध्यान रखिए। क्या क्या? इन चारों में क्या सिमिलरिटी है कि इनके डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक करते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या सिमिलरिटी है? लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या सिमिलरिटी है? लेंथ ऑफ डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या सिमिलरिटी है? डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते। स्क्वायर, रोम्बस और काइट में क्या सिमिलरिटी है? कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। अब बात सुनना, इसमें परपेंडिकुलर किस किस में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, और इन चारों तीनों में परपेंडिकुलर होते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल किस में इक्वल होती है? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। तो ये जो पांच पॉइंट है आपके माइंड में रहने चाहिए, आप ध्यान से समझना। मैं इसको एग्जांपल से और थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्रिएट करता हूं। अब कई कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल इनका आपस में क्या रिलेशन है? थोड़ा सा इसे और क्लियर कीजिए। इसमें एक ऑर्डर है, वो ध्यान रखें। सबसे पैरेललोग्राम, इसके बाद ये रोम्बस, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर। इसको मैंने स्क्वायर कहा, इसको पैरेललोग्राम कहा, इसको रोम्बस कहा और इसको रेक्टेंगल कहा। अब याद रखना, स्क्वायर तक पहुंचना है तो चलेगा। तो अगर कोई कहूं मैं कि वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? रोम्बस होगा। और वो रोम्बस जिसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है वो रोम्बस जिसके डायगोनल की लेंथ इक्वल है तो वो स्क्वायर बन जाएगा।
अब मैंने कहा वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है वो कौन बन जाएगा? रेक्टेंगल। और वो रेक्टेंगल जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर है, वो रेक्टेंगल जिसके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर वो स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए स्क्वायर की बात करें तो ये सबसे मोस्ट सबसे इसमें सारी क्वालिटीज है। ये क्वाड्रिलेटरल है, तुमने कहा बिल्कुल है। ये पैरेललोग्राम है, तुमने कहा यस। ये रोम्बस है, तुमने कहा यस। ये रेक्टेंगल है, तुमने कहा यस। अब ये, अब मैंने कहा कैसे, कोई मैं कह दूं क्या स्क्वायर रोम्बस है? स्क्वायर रोम्बस तो है ही है, पहले रोम्बस था फिर उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई। लेकिन मैंने कहा रोम्बस तुम स्क्वायर हो, तुम कहोगे मे और मे नॉट। क्यों? क्योंकि रोम्बस की बात ये क्वालिटी नहीं है, स्क्वायर के पास रोम्बस की सारी क्वालिटी है, साथ में ये भी है। तो मैं आप कह सकता हूं कि रोम्बस इज ए मे और मे नॉट बी स्क्वायर, बट स्क्वायर इज ए रोम्बस। अब मैं कह दू स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तुमने कहा स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, डेफिनेटली रेक्टेंगल था पहले तो स्क्वायर बना, तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। बट रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर तो अपन कहेंगे मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब? जब इसकी प्रॉपर्टी में ये इसको कुछ और इनपुट मिल गए इसको, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो इनमें आपस में ये रिलेशन है। इस पर एक IIT में क्वेश्चन भी आया था, जेई एडवांस में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये इस तरह का था कि इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल 0 एंड 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 0 देन पैरेललोग्राम इज, पहला ऑप्शन था रोम्बस, दूसरा ऑप्शन था स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन था रेक्टेंगल, चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। अब देखिए क्वेश्चन था, उसने ये कहां पे टच किया है कि देखो रोम्बस और स्क्वायर में डायगोनल्स की इक्वेशन दे दिए। तो देखिए एक डायगोनल की इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल 0। दूसरी डायगोनल की इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 0। देखिए इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करूं तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई दैट इज 3/4। और इसका मैं स्लोप फाइंड करूं तो मैं सीधा मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूं, तो पहले माइनस अप्लाई किया, कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज 4 और कोफिशियंट ऑफ वाई दैट इज 3 माइनस। और मैं अगर m1 m2 फाइंड करूं तो m1 m2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -1। m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसका मतलब कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तुमने कहा यस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो तुमने कहा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर किसमें होते हैं? तुमने कहा रोम्बस में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में नहीं होते। इसका मतलब हमारा आंसर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा आंसर ये होगा, रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, ये आप थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हे पैरेललोग्राम, तुम्हारे में डायगोनल्स को परपेंडिकुलर कर दूं तो तुम क्या बन जाओगे? रोम्बस। दैट मींस अपना आंसर रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? कारण कि अगर हमारे को स्क्वायर तक जाना है तो हमारे को पैरेललोग्राम में दो एनर्जी चाहिए। कौन कौन सी एनर्जी? कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। बट वी आर हैविंग ओनली ए सिंगल एनर्जी, दैट इज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। दैट मींस ये पैरेललोग्राम से ये रोम्बस तक पहुंचा, स्क्वायर तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब हमारे को बात समझ में आ गई कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बने तो आप समझ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए हमारे को एक बात समझ में आ गई कि अपन को चार वर्टिसेस दे दिए, मान लीजिए चार वर्टिसेस दे दिए, हेडिंग है अपने पास, हेडिंग लिखिए प्रोसीजर टू फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
प्रोसीजर टू फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देखिए हमारे पास ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी सी और डी. ए को मैंने कहा तुम एक्स वन वाई वन हो, बी को मैंने कहा तुम एक्स टू वाई टू हो, सी को कहा मैंने तुम एक्स थ्री वाई थ्री हो, और डी को मैंने कहा बेटा तुम एक्स फोर वाई फोर हो. अब सेवन सुनना, हमेशा चार वर्टिसेस दे दे तो पहला काम हमेशा वर्टिसेस दे वो कॉन्जुगेटिव रखना और आपको जो दे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर डिफरेंस कर दोगे तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है. मैंने कहा बेटा सबसे पहले ध्यान सुनना, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, पहला स्टेप फाइंड करने के लिए फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स. If midpoint coincides, तो श्योर है कि ये पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रॉम्बस है. अदरवाइज रेस्ट है, कोई रेस्ट एनी ट्राइंगल, रेस्ट एनी ट्राइंगल, एनी क्वाड्रिलेटरल. पहला स्टेप हमने फाइंड किया कि मिड पॉइंट फाइंड कीजिए, मान लीजिए एसी का मिड पॉइंट फाइंड किया और बीडी का मिड पॉइंट फाइंड किया. अगर ये दोनों मिड पॉइंट कॉइंसाइड कर दिए तो श्योर है कि इन चारों में से कोई होगा, और मिड पॉइंट कॉइंसाइड नहीं किया तो फिर कोई रेस्ट और कोई क्वाड्रिलेटरल होगा. अब मान लीजिए हमारे को चार तक पहुंच गए, हमें तो एक तक पहुंचना है, तो मैं स्टेप टू फाइंड करूंगा. स्टेप टू लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करूंगा, लेंथ ऑफ डायगोनल. एसी इक्वल बीडी आ सकता है और एसी इज नॉट इक्वल टू बीडी. अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है तो या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है इसका मतलब या तो पैरेललोग्राम है या रोम्बस है. भाई चार से मैं दो पे आ गया, अब मेरे को स्टेप थर्ड, फाइंड स्लोप ऑफ डायगोनल्स, स्लोप ऑफ डायगोनल्स, फाइंड स्लोप ऑफ डायगोनल्स, स्लोप ऑफ डायगोनल्स. मैंने कह दिया m1 इक्वल्स स्लोप ऑफ ac, दो पॉइंट दे रखे तो स्लोप फाइंड करना बस कर सकते हैं, स्लोप ऑफ एसी, और एम टू को कहा मैंने स्लोप ऑफ बीडी. अब अपने पास एम वन एम टू आ गए, मान लीजिए आप स्क्वायर से रेक्टेंगल पे आ गए थे तो आप देखना फाइंड करना एम वन एम टू अगर माइनस वन आ रहा है और एम वन एम टू माइनस वन नहीं आ रहा है, दो ही तो बात हो सकती है, अगर माइनस वन आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आ रहा हो तो स्क्वायर है, नहीं आ रहा हो तो रेक्टेंगल है. सेम चीज यहां पर है, M1 M2 इधर से स्टेप से दो स्टेप पे आ गए थे, M1 M2 माइनस वन आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा हो तो रॉम्बस है और नहीं आ रहा हो तो क्या है, पैरेललोग्राम. तो हम बहुत सारों से एक पे पहुंच गए, तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई. सबसे पहला स्टेप मिड पॉइंट फाइंड करो, कॉइंसाइड कर गए चारों में से कोई और, अदरवाइज कोई और. फिर चार से दो पे आ रहे, डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करो, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो गई तो या तो स्क्वायर है रेक्टेंगल है, नहीं हुई तो फिर रोम्बस या पैरेललोग्राम है. और फिर स्लोप से कंसीडर करो, अगर प्रोडक्ट ऑफ यहां से यहां हो या फिर यहां से यहां हो, अगर उनके स्लोप्स के परपेंडिकुलर, उनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो स्क्वायर है, नहीं है तो रेक्टेंगल है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो रोम्बस है, नहीं है तो फिर पैरेललोग्राम है. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. मैं एग्जांपल से और चीजों को क्लियर करता हूं. फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय पॉइंट्स ए 1, 2, बी 5, 2, सी 5, 8, डी 1, 8. अब मेरी बात सुनना, मुझे इनसे नेचर फाइंड करना है, चार पॉइंट दे दिए. अब चार पॉइंट दे दिए तो मैं कैसे फाइंड करूं,
एक तो मैंने जो ट्रेडिशनल आपको तरीका बताया उस तरह से लेंथ फाइंड कर लो, जैसे आप सब पहले ए बी फाइंड किया, फिर बी सी फाइंड किया, फिर सी ए फाइंड किया, फिर सारी साइड्स फाइंड कर ली, ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब फाइंड किए, और फिर डायगोनल्स भी फाइंड कर लिए, ए सी और बी डी फाइंड कर लिए। ट्रेडिशनल मेथड, सबसे पहले बताओ ए बी कितना बेटा, तुमने कहा ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, मैंने कहा यस, ए बी डिस्टेंस 5-4 हो गया, बी सी कितना, बी सी 5-5-6 हो गया, मैंने कहा बी सी के बाद सी डी कितना, तुमने कहा सी डी, मैंने कहा यस सी डी, तो ये 4 हो गया, और मैंने कहा फिर डी ए कितना, तुमने कहा डी ए, मैंने कहा यस डी ए, दैट इज 6 हो गया। नेक्स्ट डायगोनल्स ए सी कितना, ए से सी के बीच का डिस्टेंस, ए से सी के बीच का डिस्टेंस 5-1/4-6, तो अंडर रूट 16 प्लस 5-8 दैट इज 16+36। मैंने कहा बी डी कितना डायगोनल्स, तो मैंने कहा बी डी, मैंने कहा यस, तो 5 माइनस ये भी उतना ही है 16+36। तो आपने कहा भैया ऑपोजिट ये ए बी और सी डी इक्वल है, तो आप देख रहे हैं बेटा इस तरह से ये ऐसा सीन हो गया, ए बी सी डी ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, कितनी थी ए बी कितना था 4, सी डी कितना था 4, बी सी कितना था 6, सी डी ए कितना था 6, तो ये ऑपोजिट साइड होगा और डायगोनल्स भी इक्वल है, इसका मतलब ये कौन है, रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, सबसे पहले एसी का मिड पॉइंट फाइंड करते, बीडी का मिड पॉइंट फाइंड करते, वो भी प्रोसेस है एक। तीसरा बेटा जो हमेशा याद रखना कि एग्जाम में जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे डेटा का खेल होता है, आप ऐसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस भी बात करें तो आपको एकदम नहीं आएगा, डेटा का खेल है। अब डेटा का कैसे खेल है उसको समझे, डेटा का इस तरह से खेल है, अब डेटा को ध्यान से देखना, उसने कहा A1, B5, 2, तो देखना ये बात सुनना ध्यान से, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 5, 2 क्या सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस है, अब दूसरा 5, 2, 5, 8 दैट इज x कोऑर्डिनेट सेम है, दैट इज हियर 1, 2, 1, 8 अरे ये दोनों 90 डिग्री है और ये इनको मीट कराए तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होगा, अरे इसका मतलब या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तुमने हाँ यार ये तो या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। अब देखो बेटा ध्यान से सुना, ये लेंथ कितनी, तुमने कहा ये लेंथ 4 है और ये लेंथ कितनी, ये 6, अरे लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कौन होगा, तुमने कहा रेक्टेंगल होगा। मेरे हिसाब से आप आराम से फाइंड कर सकते हैं नेचर में, मैं एक एग्जांपल और देखता हूं उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा टिपिकल थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं, इफ एक्स आई कॉमा वाई आई आई इक्वल 1, 2, 3, 4 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल ट्वाइस एक्स वन एक्स थ्रू एक्स टू एक्स फोर वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, क्वेश्चन आपके पास है इस तरह से। उसने क्या कहा कि एक्स आई कॉमा वाई आई, आई की वैल्यू क्या बोली उसने 1, 2, 3, 4, ये किसी क्वाड्रेंट के वर्टिसाइज है, और उसने साथ में कंडीशन दी कि समेशन आई इक्वल 1, 2, 4 एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल ट्वाइस एक्स वन एक्स थ्री एक्स टू एक्स फोर वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। ये बेटा उसने कहा क्वाड्रेटिक कैसा है, पहला ऑप्शन है स्क्वायर है, दूसरा ऑप्शन रेक्टेंगल है, तीसरा ऑप्शन रोम्बस है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। हमारा आंसर क्या है, चार वर्टिसेस दे रखे और कंडीशन ये दे रखी,
आराम से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले आई इक्वल वन, तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, समेशन लगा रहा हूं, देखिए यहां से समेशन लगा रहा हूं, तो पहले आई की वैल्यू वन रखता हूं तो क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस, फिर आई की जगह टू लगाया तो एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, फिर थ्री लगाया तो एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर, फिर चार लगाया तो एक्स फोर स्क्वायर प्लस वाई फोर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल ट्वाइस एक्स वन एक्स थ्री ट्वाइस एक्स टू एक्स फोर ट्वाइस वाई वन वाई टू ट्वाइस वाई थ्री वाई फोर। बेटा ये x1 x3 किसके साथ अच्छा लगेगा, तुमने कहा इसके इसके और इसके साथ अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको कहा x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x3 प्लस x2 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर माइनस 2x2 x4 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 प्लस y3 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर माइनस 2y3 y4 इज लेस देन इक्वल जीरो। मैं सबको एक तरफ ले आया, इस तरफ इनको इन दोनों के साथ रखा, इसको इसके इसके साथ रखा, y1 y2 के स्क्वायर के साथ इसको रखा और बाकी y3 y4 को, अभी सबको है। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये और ये, तो हमारे पास ये क्या बन गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल जीरो, ये हमारे पास आ गया। अब बेघर देखो, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, चार पॉजिटिव क्वांटिटी का सम लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू जीरो हो सकता है, वो भी कब, जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाए, ये भी क्वांटिटी जीरो हो जाए, ये भी क्वांटिटी जीरो हो जाए, ये भी क्वांटिटी जीरो हो जाए, लेस देन तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू हो सकता है, लेकिन वो भी केवल एक ही कंडीशन में है। हम जानते हैं बेटा, देखो ध्यान सुनना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल जीरो है तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब एक्स भी जीरो हो और वाई भी जीरो, याद रखना इस बात को, बहुत काम आती है हमारे, x भी जीरो और y भी जीरो। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब ये भी ये स्क्वायर से लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होने से था, इक्वल टू जीरो हो सकता है कब, जब ये जीरो होने का मतलब है x1 बराबर x2 आ जाए, ये जीरो होने का मतलब है x2 बराबर x4 आ जाए, ये जीरो होने का मतलब है y1 बराबर y2 आ जाए, ये जीरो होने का मतलब है y3 बराबर y4 आ जाए। अब ध्यान से सुनना बढ़िया बच्चों, हमने कहा कि ये क्वाड्रिलेटरल है कैसा, तुमने कहा अच्छा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मैंने हाँ भैया क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एक्स वन और एक्स टू इक्वल है। अच्छा, एक्स की दो वैल्यू सेम होने का मीनिंग है पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स वन और एक्स टू, देखिए मैंने यहां पे एक्स वन एक्स थ्री, ये वाला एक्स थ्री है, दैट इज एक्स थ्री। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनना, क्या सेम है, एक्स वन और एक्स थ्री सेम है, दो x की वैल्यू सेम होना, इसका मतलब ये बेटा x1 है और ये x3 है, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से समझेंगे। नेक्स्ट, y1 और y2 इक्वल है, y1 और y2 इक्वल है, इसका मतलब बेटा y की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू सेम मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, इसको मैं y1 कहा, इसको मैंने y2 कहा, y की दो वैल्यू सेम है। नेक्स्ट है x2 और x4, x2 और x4, बेटा ये x2 और x4 पैरेलल टू है, ये x2 है और ये x4 है। अच्छा, y3 और y4 सेम है, अच्छा y3 और y4 सेम है, मतलब ये ऐसा सीन है y3 और ये y4, मैंने इसे अरेंज कर दिया, देखो चारों एंगल 90 डिग्री हुए, पैरेलल टू x एक्सिस, ये देखिए आप चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, चारों एंगल 90 डिग्री होने का मीनिंग यही है कि भैया या तो ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करता हूं, तो x2 माइनस x1 का मोड, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, तो x3 और x1 तो एक जैसे है, y3 माइनस y1 का मोड, क्या ये लेंथ इक्वल दिख रही है,
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसका मतलब ये रेक्टेंगल होगा, अगर हो गई तो ये स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते, दैट मींस ये कैसा केस है, रेक्टेंगल। तो हमारा आंसर हो गया रेक्टेंगल। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। इफ थ्री कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 1.2, 5.2 एंड 6.8, देन फाइंड फोर्थ वर्टेक्स। कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस बोला, मैंने कहा यस कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस बोला, चौथा वर्टेक्स फाइंड करना। तो देखिए 1.2, 5.2 इस तरह से ले लेते हैं रफली बेटा, ये पैरेललोग्राम बनेगा इस तरह, ये पैरेललोग्राम बन रहा, इसका चौथा वर्टेक्स है, ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, मुझे डी चाहिए, ठीक ये ठीक चाहिए, अब ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा और डी चाहिए मुझे। अब हम जानते हैं बेटा कि डायगोनल्स इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तुमने कहा डायगोनल बाइसेक्ट करता है मतलब एसी का जो मिड पॉइंट होगा वही बीडी का मिड पॉइंट होगा। इस डी को मैंने कह दिया बेटा तुम एक्स कोमा वाई हो, तो एसी का मिड पॉइंट कौन है, तुमने कहा 1+6/2, दैट इज 1+6/2 इक्वल व्हाट, x+5/2। दूसरा वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y2+8/2 इक्वल y+2/2। अगर हमारे पास देखिए मैंने कैसे किया है, ध्यान सुनना, अब दो पॉइंट दे रखे a और b, a दे रखा है x1 y1 और b दे रखा है x2 y2। अभी मैंने आपको बताया नहीं, सेक्शन फॉलो में बताऊंगा आगे, अगर इनके मिड पॉइंट की याद आ रही हो तो मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, x1+x2/2 y1+y2/2, ये वैसे 10th क्लास में आपने देखा होगा, ये इस तरह का पॉइंट होता है। तो मैंने कहा x+5/2 इक्वल 1+6/2 और y कोऑर्डिनेट देखो तो y+2/2 इज 2+8/2। तो देखिए 2 से 2 गया, x इक्वल कितना आ गया हमारे पास 1+6-5, 1+6 7-5 2, और y इक्वल कितना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 गया तो y इक्वल 8, दैट मींस कोऑर्डिनेट इज 2.8। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इफ थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 1.2, 5.2, 6.8, देन फाइंड फोर्थ वर्टेक्स। तुमने कहा सर ये पहले वाले इतना क्वेश्चन है, मैंने कहा देखो पहले वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस और अभी मैंने बोला सिंपल वर्टेक्स किसके, पैरेललोग्राम के। अब क्वेश्चन ये बोल रहा, हाउ मेनी सच पैरेललोग्राम पॉसिबल, हाउ मेनी सच पैरेललोग्राम पॉसिबल और वर्टिसेस कॉन्जुगेटिव नहीं दिए। तो अब देखो इस तरह से ऐसे देखते हैं, पहले 1.2 की जगह अपनी फिक्स है, तुमने कहा बिल्कुल फिक्स है, 5.2 की जगह फिक्स है, तुमने बिल्कुल फिक्स है, 6.8 की जगह फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है 6.8 की जगह। तो देखो ये एक तो पैरेललोग्राम तुम्हें ये दिख रहा है साफ साफ, एक पैरेललोग्राम तो ये दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम तो मुझे साफ दिख रहा है। अब एक पैरेललोग्राम ये भी हो सकता है, ये दो वर्टेक्स है, ये ऐसा, ये भी तो एक पैरेललोग्राम पॉसिबल है, ये दोनों फिक्स है तो ये एक पैरेललोग्राम, तो ये एक और पैरेललोग्राम पॉसिबल है। अब तुमने कहा ये तीनों पॉइंट फिक्स है तो मैं इसको ऐसे कहूं इस तरह से, ये भी तो एक पैरेललोग्राम फिक्स है, अगर मैं बात करूं तो ये, तो देखिए मेरे पास तीन चीजें फिक्स थी, 1, 2, 3, तो एक पैरेललोग्राम तुम्हें ये बनता हुआ दिख रहा है, दूसरा पैरेललोग्राम ये बनता हुआ दिख रहा है, तीसरा पैरेललोग्राम ये बन सकता है। इसका मतलब कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, तीन वर्टिसेस कॉन्जुगेटिव नहीं देते तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, तुम हो गए 3, और चौथा वर्टेक्स फाइंड करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉइंट कितना था, 1.2 था, ये 5.2, तो ये पॉइंट बताओ बेटा, तुमने कहा दिस प्लस 6+1-5,
अपन यूज करें दिस प्लस माइनस दिस, 6 + 1 - 5 दैट इज 2 और 2 + 8 - 2 दैट इज 8। अब मुझे इस पॉइंट के वर्टेसेस चाहिए, तुमने कहा अच्छा वही बात यूज करते हैं 1 + 5 मिड पॉइंट। अभी जैसे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था उसी कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, 1 + 5 = 6 - 6 = 0 और 2 + 2 = 4 - 8 - 4 पास वाले को ऐड करो दूर वाले को सब्ट्रैक्ट करो। इसका सीधा अगर मान लीजिए वर्टेसेस चौथा वर्टेक्स फाइंड करना है तो एक प्रॉपर्टी सिंपल है, पास वालों को ऐड करो दूर वाले को सब्ट्रैक्ट करो, तो पास वालों को ऐड करो दूर वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो गया 1 + 6 - 5 दैट इज 2, 2 + 8 - 2 ये हो गया। इसी तरह ये मैंने कहा 1 + 5 = 6 - 6 = 0 2 + 2 = 4 - 8 - 4 इस पॉइंट को बताओ, पास वाले को ऐड करो दूर वाले को सब्ट्रैक्ट करो दैट इज 5 + 6 = 11 - 1 = 10 8 + 2 = 10 - 2 दैट इज 8। दिस आर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम, इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज इफ टू ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर 1, 2 and 5, 8 and other diagonals lie on the line y = 2x + c. If two opposite vertex of diagonal of a rectangle are 1, 2 and 5, 8 and other diagonals lie on this line, then find value of c। सिंपल बोला कि भाई डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं तो 1 + 5 = 6/2। देखिए इनका मिड पॉइंट क्या हो गया 5 + 1 = 6/2 दैट इज 3 एंड 2 + 8 = 10 / 2 दैट इज 5। अब ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी होगा, तुमने हाँ ये लाइन पे होगा तो सेटिस्फाई करा दो y = 2x + c पे, y = 2x + c इस डायगोनल इस पे भी है दैट इज 3, 5। इसको सेटिस्फाई करेंगे तो कितना 5 = 2 × 3 + c दैट इज c = कितना हो गया -1 आंसर, c = -1 हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। देखिए मैंने अगर इसको पैरेललोग्राम कहता तब भी इस पे बात कर सकता था, रेक्टेंगल कहता है तब भी कर सकता हूं क्योंकि डायगोनल्स तो इसके बाइसेक्ट कर ही रहे हैं।